महोबा जनपद में एडीजे प्रथम ने पास्को एक्ट और बलात्कार के मामले में साक्ष्यों के आधार और गहनता से अध्ययन करते हुए आरोपी को 20 वर्ष कारावास और 35,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी ने नाबालिग युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर अगवा कर लिया था और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम भी दिया था। पूरा मामला आज किस बारे में आज जजमेंट मिला? मामला श्रीनगर थाने का है। अभियुक्त इसमें बहादुर पाल है, जो ग्राम जोरैया का रहने वाला है। घटना दिनांक इसकी है 21/12/2017 और इसकी रिपोर्ट हुई थी 27/12/17 को। पीड़िता व अभियुक्त दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, जो रैया थाना श्रीनगर के अंतर्गत आता है। इसमें पीड़िता 2 बजे के लगभग घटना दिनांक को लैट्रिन करने शौच क्रिया करने के लिए गांव से बाहर गई हुई थी। वहीं पर बहादुर पाल मिला व इसे कुछ नशीला पदार्थ सूंघा दिया। सूंघने के बाद ये बेहोश हो गई और इसे मथुरा ले गया। मथुरा में 6 दिन रखकर इसके साथ इसकी मर्जी के विरुद्ध जबरन बलात्कार किया। इस मामले में अभियोजन की ओर से 6 गवाह पारिचित कराए गए हैं। माननीय कोर्ट नंबर 1 अपर सत्र न्यायाधीश श्री राम किशोर शुक्ला जी के द्वारा मामले में आज आदेश सुनाया गया है, जिसमें अभियुक्त को दोषी पाते हुए धारा 376 IPC में 20 वर्ष का कारावास व 20,000 रुपये से दंडित किया है व धारा 366 IPC में 5 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। धारा 4 पाक्सो के तहत अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 10,000 रुपये से दंडित किया गया है। इस केस की पैरवी मेरे द्वारा स्वयं की गई है। ठीक, आपको बता दें कि मामला महुआ जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर वर्ष 2017 में युवती शौच क्रिया के लिए गई थी, तभी गांव के युवक बहादुर पाल ने नशीला पदार्थ खिलाकर अगवा कर लिया था और जबरन पकड़ मथुरा ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को 1 सप्ताह तक अंजाम भी दिया था। इस मामले में अपर सत्र न्यायालय प्रथम न्यायाधीश राम किशोर शुक्ल ने गवाहों और साक्ष्यों के गहन अध्ययन के बाद फैसला सुनाया, जिसमें शौच क्रिया के लिए गई नाबालिग युवती के साथ बलात्कार किया था। परिजनों ने उससे इसके बारे में पूछा तो उसने पूरी घटना को अपने परिवार से बताया। मामले की शिकायत बालिका के परिजन और कोतवाली श्रीनगर में दर्ज कराई गई थी, जिस पर आज न्यायालय ने मुख्य आरोपी बहादुर पाल को 20 साल कारावास और 35,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।